गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, हमारा टॉपिक चल रहा है 1818 की संधियां। तो 1818 की संधियों के दौरान हमारे सिलेबस में जो है संधियां क्यों हुई, क्या परिस्थितियां थी, और कोटा राज्य, मेवाड़ राज्य और मारवाड़ राज्य के साथ संधि। ठीक है, तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल थे वॉर्न हेस्टिंग ने जो राजपूत रियासतें थी वो काफ़ी लंबे समय से चाहती थी, परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कुछ कि काफ़ी लंबे समय से चाहती थी कि अंग्रेज हमें अपने संरक्षण में ले लें। और अब लॉर्ड वेलेंजली की मराठा नीति के कारण वॉर्न हेस्टिंग्स के लिए भी जरूरी हो गया था कि वो देशी रियासतों को अपने संरक्षण में ले लें, वरना देशी रियासतें अगर मराठों के साथ मिल गई तो अंग्रेजों का भारत में रहना दुर्भर हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए वॉर्न हेस्टिंग ने राजस्थान की राजपूत रियासतों को अपने संरक्षण में ले लिया। तो इस दौरान हम लोगों ने कोटा राज्य के साथ जो संधि हुई उसे पढ़ा, मेवाड़ राज्य के साथ जो संधि हुई उसे पढ़ा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ राज्य के साथ जो संधि हुई थी उसके बारे में। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 400 मेडिकल को नियुक्त किया गया था, तो मारवाड़ के साथ जो संधि हुई थी 6 जनवरी 1818 को मारवाड़ के शासक मान सिंह के पुत्र नक्षत्र सिंह पे अंग्रेजों की ओर से 400 मेडिकल के मध्य संधि हुई थी। ठीक है, तो इस संधि की क्या शर्तें थी इसके बारे में देखते हैं। देखो, सैनिक सहायता और खिलाज कर को छोड़कर बाकी सारे प्रावधान कोटा और मेवाड़ वाले जो प्रावधान थे, जो शर्तें थी मारवाड़ राज्य के साथ भी वही शर्तें तय की गई थी। ओनली सैनिक सहायता और जो खिलाज को लेके उसको छोड़ के, ठीक है, इसके लिए थोड़ी अलग से व्यवस्था थी मारवाड़ के साथ। तो देखते हैं हम मारवाड़ के साथ ये जो संधि हुई थी इसके क्या प्रावधान थे। तो वही कि एक पक्ष के मित्र वैसे थे दूसरे पक्ष के भी। देखो, अंग्रेजों ने पहली शर्त ये रखी थी कि अंग्रेजों के जो मित्र हैं या जो शत्रु हैं वो मारवाड़ के भी मित्र और शत्रु होंगे, और मारवाड़ के जो मित्र और शत्रु हैं वो अंग्रेजों के भी मित्र और शत्रु होंगे, ताकि कहीं मराठे और मारवाड़ राज्य सांठगांठ ना कर लें। एक पक्ष के शत्रु और मित्र, दूसरे पक्ष के भी क्या रहेंगे, शत्रु और मित्र ही रहेंगे। ठीक है, दूसरी शर्त थी कि वंशानुगत मैत्री सहयोग। ये कहा गया था कि ये संधि इसी राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, है ना, आगे भी जो इसके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठेंगे वंशानुगत से ये संधि चलती रहेगी, दोनों पक्ष आपस में मैत्री और एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, तभी वंशानुगत मैत्री और सहयोग की शर्त रहेगी। ठीक है, अब बात आती है तीसरा प्रावधान, मारवाड़ की सुरक्षा के दायित्व को लेकर। देखो, मारवाड़ के जो मारवाड़ रियासत थी ये लोग मराठों के आक्रमणों और पिंडारियों के आक्रमणों से क्या थे, पीड़ित थे, इसीलिए अपने आपको अंग्रेजों के संरक्षण में देना चाहते थे। अब क्या हो गया, मारवाड़ ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। अब क्या हो गया, मारवाड़ की जो सुरक्षा दायित्व था वो किस पर आ गया, अब मारवाड़ की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों पर आ गया, मारवाड़ की सुरक्षा अंग्रेज करेंगे अगर मारवाड़ पर कोई भी आपत्ति आती है। ठीक है, अब जो अगली चौथी शर्त थी वो थी पड़ोसी राज्य से संबंध। देखो, अंग्रेजों ने ये शर्त रखी थी कि मारवाड़ अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी राज्य से या किसी से भी क्या है, मैत्री नहीं करेगा, किसी से भी दोस्ती नहीं करेगा अंग्रेजों की अनुमति के बिना। अगर वो किसी से दोस्ती करना चाहता है तो पहले अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी। अगर अंग्रेजों को लगेगा कि हाँ इन दोनों पक्षों की दोस्ती होनी चाहिए तब तो दोस्ती होएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया कि इसकी जो पुरानी मित्रता है वो जो कि अगर वो बना के रखना चाहे तो वो बना के रख सकता है, लेकिन नए किसी से दोस्ती करता है, नई किसी शक्ति से दोस्ती करता है तो इससे पहले वो क्या है, अंग्रेजों से अनुमति लेगा। ठीक है, अब अगली शर्त ये रखी गई कि मारवाड़ अंग्रेजों के अलावा किसी भी शक्ति को कर नहीं देगा, ओनली कर किसको देगा, अंग्रेजों को ही देगा। ठीक है, देखो एक ये भी कहा गया कि जो अंग्रेजों
कि मारवाड़ के किसी प्रदेश पर अगर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है तो पहले अंग्रेज लोग इसकी जांच करेंगे कि वास्तव में ये कब्जा किया है, वास्तव में मारवाड़ को ये जगह वापस दिलवानी चाहिए या नहीं। अगर अंग्रेजों को जांच पड़ताल के बाद लगेगा कि ये प्रदेश मारवाड़ को वापस दिलवाना है तो अंग्रेज इस पर विचार करेंगे। ठीक है, अगली जो शर्त थी सैनिक सहायता और खिराज को लेके, मारवाड़ के साथ कुछ अलग प्रावधान किए गए थे। क्यों? क्योंकि मारवाड़ का जो एरिया है मरुभूमि होने के कारण उसके साथ कुछ अलग प्रावधान किए गए थे। तो देखो क्या था, अंग्रेजों ने अंग्रेजों को पता था कि मारवाड़ मरुभूमि है, फसल हुई हुई ना हुई ना हुई केवल बारिश पर डिपेंड करती है और राजस्थान का एरिया है बारिश होती नहीं, है ना। तो अब अंग्रेज चाहते थे कि हमें हमारा कर कहीं कम ना मिल जाए, पहले तो के आय के हिसाब से कर लेते थे, अब ये था कि यहाँ तो फसल ना हुई तो, है ना। तो फिर क्या किया अंग्रेजों ने मारवाड़ के साथ एक जो प्रावधान किया वो क्या किया कि मारवाड़ अंग्रेजों को 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देगा, चाहे फसल हो चाहे ना हो, आय हो चाहे ना हो, मारवाड़ 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष अंग्रेजों को देगा। क्यों? क्योंकि मारवाड़ की जो जो भूमि थी मरुभूमि थी उस पर कई बार फसल नहीं भी होती थी, सूखा पड़ जाता था। तो अंग्रेजों ने अपने कर को बचाए रखने के लिए पहले ही संधि में ये प्रावधान कर दिया था। ठीक है, अब देखो अगली शर्त क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, उसकी जो सैन्य स्थिति थी उस पर आरोप लगाया कि तुम्हारी सैन्य क्षमता अच्छी नहीं है, अतः तुम्हारे यहाँ एक अंग्रेज सेना रहेगी। मारवाड़ में ब्रिटिश सेना रखने का प्रावधान किया गया। क्या कहा गया कि तुम्हारी सैन्य क्षमता अच्छी नहीं है, मारवाड़ की सैन्य क्षमता पर आरोप लगाया और क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ एक ब्रिटिश सेना रहेगी। मारवाड़ में एक ब्रिटिश सेना रखने का प्रावधान किया गया और क्या कहा गया कि इस सेना का जो खर्च है वो 1,15,000 रुपए है, जो क्या है प्रति वर्ष कितना खर्चा है 1,15,000 रुपए जो मारवाड़ अंग्रेजों को देगा। ठीक है, देखो इसमें भी अंग्रेजों की दोहरी चाल थी, है ना। उनको पता था कि मराठे हम पर आक्रमण कर सकते हैं तो अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सैन्य बढ़ाई और सेना का खर्चा उन्होंने किसी देशी रियासतों पर थोप दिया, जबकि देशी रियासतें ये समझ रही थी कि अंग्रेज हमारे सहयोगी हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तो सेना रख रहे हैं। एक तो देखो ब्रिटिश सेना शक्ति में वृद्धि हो रही है, दूसरा उसका जो खर्च है वो भी राजपूत रियासतें वहन कर रही हैं। ठीक है, तो ये संधियां करना अंग्रेजों की दोहरी चाल थी, इसीलिए तो देखो राजपूत रियासतें तो बहुत समय से कह रही थी ना जब अंग्रेजों को लगा कि हमें खतरा है तब अंग्रेजों ने संधियों को संपन्न करवाया। ठीक है, तो ये मारवाड़ के साथ संधियां थी, संधि थी। अब हम पढ़ेंगे इन संधियों के क्या परिणाम निकले, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।